नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र फिजिक्स। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नाभिकीय भौतिकी के सारे कॉन्सेप्ट जिससे सवाल बन सकते हैं, जिससे सवाल आ सकते हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में, स्टेट पीसीएस में। दोस्तों इन टॉपिक से सवाल हमारे एसएससी में भी आते हैं, तो आपको ध्यान से बस इसे देखना है, सुनना है, समझना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सवाल, मेसॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों मेसॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, ठीक है ना। इसकी खोज की थी हिडेकी युकावा ने, ठीक है, जापानी है ये। जो पॉजिट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी सी डी एंडरसन ने और यूएफ हेस ने। पॉजिट्रॉन क्या होता है, आपको पता है कि हमारे यहाँ होता है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, है ना। और दोस्तों इसका कुछ मास भी होता है, इसका कुछ द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन का ठीक उल्टा होता है पॉजिट्रॉन, ई पर प्लस चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के जितना ही मास होता है मगर इस पर चार्ज प्लस होता है, ठीक है ना। जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल बोलते हैं उसको। सूर्य और तारों में जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो किससे होता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब कि संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन से तारों में, सूर्य भी तो एक तारा है, है ना। तो तारों में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है किससे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन से होता है। इसका सिद्धांत दिया था एच ए बेथे ने। किसने दिया था, एच ए बेथे ने। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किन्होंने किया था, जी टी सीबर्ग ने परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किया था। इसको उन्होंने निर्माण किया था। अब देखो क्या सही नहीं है, यहां पर एक सवाल था, परमाणु के नाभिकों का टूटना ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है, संलयन नहीं कहलाता। इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर व्हाट, फिजन, FISION। टूटना मतलब कि फिजन, आपस में जुड़ना, उसको बोलते हैं संलयन। संलयन क्या होता है, वो होता है जुड़ना। नाभिकों का जुड़ना मतलब कि मान लो कि हाइड्रोजन का नाभिक मिलेगा ना, तो मिल करके हीलियम के नाभिक का निर्माण करेगा। नाभिक क्या होता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है इसके नाभिक में, और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता रहता है, है ना। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें इस एटम में से, इसको बोलते हैं एटम, परमाणु, ठीक है ना। ये परमाणु अभी क्या है, ये अभी न्यूट्रल है, NUTRL, न्यूट्रल मतलब कि चार्ज नहीं है इस पर। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा क्या बनेगा, इसमें केवल एक प्रोटॉन बच जाएगा, है ना। ये है हमारा H एटम। अगर मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, ये H+ बन जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। बस में आती है। तो जो नाभिक टूट, जैसे कि जो नाभिक है, नाभिक जो जुड़ेगा ना क्या बनेगा, हीलियम बनेगा और बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी उसमें से। आपको दिया गया है दो कथन, पहला है कथन, दूसरा है उसका कारण। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। ये रदरफोर्ड का कमेंट था, ये उनका मानना था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। ये क्या मतलब होता है, मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, मगर ये तो होती है, E=MC² होता है, है ना। M होता है मास, मतलब कि आपके पास मान लो कि कोई वस्तु है, मान लो कि आपके पास 1 kg का कुछ चीज़ है। ये जो वस्तु है, इस वस्तु को आप ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं E=MC² इक्वेशन के हिसाब से। कैसे होगी परिवर्तित सर, जब ये वस्तु ट्रेवल करेगी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से, मतलब कि
3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस ये जो स्पीड है ना लाइट की, इसके करीब करीब जो स्पीड होगी ना, तब हम कहेंगे कि हाँ वो स्पीड रिलेटिविस्टिक है और उस समय हम उस वस्तु को ऊर्जा में रूपांतरित कर पाएंगे। रदरफोर्ड का मानना था कि नहीं नहीं होगा, ऐसा फेल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा था कि उपलब्ध नहीं होगी, जो कि गलत बात है। तो कथन सही है, कारक सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत, मतलब कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो आइंस्टाइन है, इसके दो सिद्धांत हैं। पहला जनरल थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरा है स्पेशल थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सिद्धांत दिए गए थे किनके द्वारा, हमारे आइंस्टीन साहब के द्वारा। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है आइंस्टाइन के सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, वो कौन सा है? वो है माइक्रोवेव फोटोन। दोस्तों जो लाइट होता है ना, लाइट फोटोन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होता है ना कि जो कैथोड रे क्या होती हैं, एनोड रे क्या होती हैं, कैथोड रे, एनोड रे, है ना। इसमें एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, मतलब कि एक बना होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, दूसरा बना होता है प्रोटॉन जैसे कि जो होता है ना उसके फ्लो से। तो जो फोटोन होता है ये एनर्जी का पैकेट होता है, मतलब कि आप एक पॉलीथीन लीजिए, पॉलीथीन में आप एनर्जी भर दीजिए, वो जो पॉलीथीन होगी ना उसका आप मुंह बांध दीजिए, इसको बोलते हैं फोटोन, ठीक है ना। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो अगर माइक्रोवेव फोटोन का आविष्कार हो गया तो आइंस्टीन का जो सिद्धांत है वो खतरे में पड़ जाएगा। साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है किसमें, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए, प्रोटॉन की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने के लिए साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि प्रोटॉन को हमें भिड़ाना होता है दूसरे पार्टिकल से, कोलिजन करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन की स्पीड बढ़ाते हैं, उसको त्वरित करके, उसको एक्सेलरेट करके। कौन करता है? साइक्लोट्रॉन करता है। पेजल में जो गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की जा सकती है किससे? परस्फुरन गणक से। ये जो परस्फुरन गणक है ना, ये बता सकता है कि गामा उत्सर्जक समस्थानिक, गामा आइसोटोप है कि नहीं पानी में। दृश्य किरणें, एक्सरे, पराबैंगनी, अवरक्त विकिरण, इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? देखो E इक्वल टू होता है H म्यू, H हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, PLAN प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं म्यू, म्यू हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे भी E इक्वल टू H म्यू या फिर H C अपॉन लैम्डा, ये तो हमारा है ही प्लैंक्स कांस्टेंट, पता ही है आपको। सी हमारा होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि जो हमारा प्रकाश है उसकी चाल कितना होता है, 3×10⁸। लैम्डा मेरा होता है क्या, वेवलेंथ, वेवलेंथ LENGTH, वेवलेंथ का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य, याद रहेगा ये क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तो जिस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी, जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी हाई होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी हाई तो एनर्जी हाई, है ना, या फिर लैम्डा वेवलेंथ लो तो एनर्जी हाई। बस समझ रहे हो, एनर्जी हाई होने के लिए, एनर्जी हाई होने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई होना पड़ेगा या फिर लैम्डा को लो होना पड़ेगा, बस में आती है। तो यहाँ पर जो एक्सरे है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इनमें, ठीक है, तो इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किससे होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे, नाभिकीय संलयन से, आपको मैंने पहले बता दिया है, और ग्रेविटेशनल श्रिंकेज से। तारों में अक्षय ऊर्जा, अक्षय का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो,
अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। आपको मैंने बताया तुरंत ही अभी, हाइड्रोजन का नाभिक और हाइड्रोजन का नाभिक मिल करके हीलियम का नाभिक बनाते हैं और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। एक आर्टिफिशियल उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सोलर सेल। जो हम लोग सेटेलाइट भेजते हैं ना दोस्त, सेटेलाइट में सोलर पैनल लगे होते हैं और वो सोलर पैनल विद्युत का निर्माण करता है। सोलर सेल जो होती हैं वो विद्युत देती हैं वहाँ पे हमारे जो हमारे सेटेलाइट हैं उसमें। सौर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में इन कथनों विचार कीजिए। आपको हमने दिया है तीन बातें। पहला, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है। मतलब कि फोटोवोल्टेइक रिएक्शन में जो प्रकाश है इसका रूपांतरण होता है विद्युत में, होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल सही है। मगर जो सौर तापीय प्रक्रिया है इसमें सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए किया जाता है जिसका आगे विद्युत जनन होता है। जैसे कि देखो सौर तापीय है ना, सौर ताप जनित, जैसे कि जो सौर तापीय प्रक्रिया है इसमें हम लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं पानी को गर्म करने में। पानी गर्म हुआ, ये भाप बना, इस भाप से हम लोग टरबाइन घुमाते हैं जिससे विद्युत पैदा होती है। ठीक है, तो ये किसमें होता है? ये सौर तापीय प्रक्रिया में होता है। मगर जो प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया है इसमें सोलर पैनल लगे होते हैं जो सीधे प्रकाश को चेंज कर देते हैं किसमें? विद्युत में। मेरा पहला यहाँ पर सही है। दूसरा, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया धारा जो एसी है, प्रत्यावर्ती धारा, इसका जनन करती है, ये सही नहीं है। जबकि सौर तापकीय डीसी जनन करती है, यहाँ पर यह बात गलत है। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए निर्माण का आधार है किंतु फोटोवोल्टेइक के लिए नहीं, यह बात गलत है। हमारे पास फोटोवोल्टेइक के लिए भी हमारे पास आधार है। किसका? मैन्युफैक्चरिंग करने का आधार है। थर्ड यहाँ पर मेरा गलत है। आंसर क्या हुआ? ओनली वन इज करेक्ट। तो दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग और बातें, मिलते हैं वहाँ पर।